रिजल्ट तो देखो, 50 HP की कैटेगरी में यह ट्रैक्टर का 4 सिलेंडर ट्रैक्टर है। तोड़ हम पे DI सोनाली का 60 भी है घर, दूसरा जो कंप्यूटर मान जब चला है हमारा, चलाऊं मैं वा भी हूँ लेकिन जी ना लगता। अच्छा नमस्कार दर्शक भाइयों। तो दर्शक भाइयों, आज मैं गांव कुड़ली के अंदर पहुंचा हूं, जो कि डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के अंदर पड़ता है। सिकंदराबाद से जो गुलावटी की तरफ रोड गई है, उस रोड पर गांव पड़ता है। और भैया के पास मैं पहुंचा हूं। तो भैया आप पहले बताओ, जैसे आप AC 550 ट्रैक्टर चला रहे हो, तो आपने सेकंड हैंड खरीदा है नया? भैया हमने ये 2012 में नया लिया है। बिल्कुल तो आपको उस टाइम पे किस कीमत के अंदर पड़ा ट्रैक्टर? भैया उस टाइम पे ही 585 में पड़ा। तो परफॉर्मेंस वाइज कैसा ट्रैक्टर? परफॉर्मेंस तो या कि बेहतरीन है, जिसे हम 2012 से चला रहे हैं भैया। 52 HP वाला ट्रैक्टर है, 50 HP ना, वाला? यू 50 वाला। 50 वाला। तो जैसे 50 HP के साथ में 7 फीट का रोटावेटर चला रहे हो, 48 ब्लेड में है ना रोटावेटर? हाँ जी भैया, सिंगफील्ड वाला 7 फुट का रोटर है। भीतर भीतर 16-19 की करा रही हैं। हाँ, तुम 17-18 की भी करारी चलाई हैं? चलाई हैं, लेकिन उन पर तो ट्रैक्टर मानता ही ना, तो 16-19 की कर रखी, तो तीसरे के लो में भी बढ़िया चला। अब जैसे 50 HP का ट्रैक्टर है जी, तो 50 HP का किसी अदर कंपनी का ले हुए हम इसके कंपटीशन में, तो क्या रिजल्ट रहेगा ट्रैक्टर का? भैया रिजल्ट तो देखो, 50 HP की कैटेगरी में यह ट्रैक्टर का 4 सिलेंडर ट्रैक्टर है। तोड़ हम पे DI सोनाली का 60 भी है घर, दूसरा जो कंप्यूटर मान जब चला है हमारा, चलाऊं मैं वा भी हूँ लेकिन जी ना लगता। अच्छा DI 60 का, और इसका तेल के कंपैरिजन की बात करें? भैया तेल देखो, DI 60 का खर्चा ज़्यादा है, ज़्यादा है या का किसी भी कंपनी से मेरे हिसाब से, अब तक तो मुझे जब हमने 2012 में लिया तेल का खर्चा और कम ही है फालतू ना। ठीक है, एक बार चला कर दिखाओ ट्रैक्टर। बट एक और चीज देखो, सब कंपनी में 14 के टायर आए दिए हमें यहाँ में जब शुरू में ही, हमने भी आते ही 16 के गिरवा दिए। अच्छा चेंज करवा दिए 16 के इंसू, इतना फर्क पड़ेगा, इंजन भी दबका चला है 16 के इंसू, लेकिन हमने 16 के गिरवा लिए। लेकिन अब अगर हमारी कहीं ट्रॉली जहाँ दो ट्रैक्टर भी ना खेचे वहाँ आयु के लग खेचे, इतना फर्क पड़ेगा। ठीक है चला देखो। तो दर्शक भाइयों, पहले मैं एक फेर आपको बिना जूते हुए खेत में लगवा के दिखाऊंगा, और फिर जूते हुए मैं लगवाऊंगा। ट्रैक्टर का बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन है, 48 ब्लेड में देख सकते हो, साइड की पत्ती भी खोली हुई है, ये परमानेंट खोल रखी है। और मैं गहराई भी चेक करवाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, मैं वैसे ही कह रहा हूँ वीडियो में। देखो यहाँ ही एक बार का ही फेरा है, देखो गहराई चेक कराता हूँ मैं। देख सकते हो गहराई है पहली बेर की, दर्शक भाइयों कम से कम 6 इंच गहराई है, बहुत गहराई लेकर चल रहा है ट्रैक्टर। मतलब ट्रैक्टर ने कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ रखी, और दबाव नाम की कोई चीज़ नहीं है। देखो हल्का सा धुआं तो दे रहा है ट्रैक्टर, पर देखो लीवर भी फुल डाउन है ट्रैक्टर के। देखो धुआं हुआ का तो सीन ऐसा है, देखो सर्विस वर्विस से थोड़ी सी डिले हो जाती है पीछे, तो धुएं का तो इतना बड़ा रोल है नहीं। बाकी तुम प्रदर्शन देखो ट्रैक्टर का, देखने दिखाने लायक है। और अब मैं जूते हुए मैं चला के दिखाऊंगा आपसे, बस एक गुजारिश करना चाहूँगा कि वीडियो में अंत तक बने रहना। देखो तुम मट्टी कितनी फील हो रहा, गहराई में बिल्कुल कमी नहीं छोड़ रहा ट्रैक्टर। और 1600 RPM पर चल रहा है ट्रैक्टर, RPM भी कुछ खास ज़्यादा नहीं है। तो दर्शक भाइयों, आपके पास जूते हुए मैं है फेरा, देख सकते हो लीवर पुल डाउन है, झूठ नहीं बोल रहा मैं बिल्कुल भी, ये देख सकते हो। और गहराई देखो तुम रोटावेटर की, साइड की पत्ती भी खोली हुई है। देखो अब मैं गहराई चेक कराता हूँ आपको दूसरी बार की, दर्शक भाइयों देख सकते हो आप, मतलब बिल्कुल हकता कर दिया। दर्शक भाइयों ये वीडियो में शायद छोटी लगे ये डंडी सी, ये कम से कम 8 इंच की है पूरी डंडी, मतलब 6.5 इंच की गहराई है। मतलब ट्रैक्टर ने बिल्कुल हकता कर दिया दर्शक भाइयों, काफ़ी घास फूस है खेत में देख सकते हो, दूसरी बेर में पूरा बारीक कर दिया, बिल्कुल रोटावेटर ने कसर नहीं छोड़ी है। भाइयों दो बंदे भी खड़े करवा दिए मैंने रोटावेटर पे, देख सकते हो इधर की साइड तो थोड़ा सा कम लग रहा है रोटावेटर, पर पल्ली साइड का हेल्पर भी खुला हुआ है, देख सकते हो पूरी गहराई लेकर चल रहा है रोटावेटर। दूसरी साइड से दिखाता हूँ मैं आपको, दर्शक भाइयों बहुत गहराई ले रहा है रोटावेटर, देखो मट्टी कितनी भर रही है।
और दर्शक भाइयों 17-18 की करारी है भैया, पर थोड़ी मिस्टेक होगी करारी में बताने में। अगर आपको विश्वास नहीं होता मैं एक नीचे कमेंट कर दियो, गियर बॉक्स का टापा खुलवा के भी मैं दिखवा दूंगा। भैया 17-18 की है ना करारी? अगर अगर कोई भाई नीचे कमेंट करेगा 17-18 की बना तो टापा खुलवा के दिखवा दोगे? लोटा बैठो खोल के दिखा दूंगा तुरंत। नीचे कमेंट कर दियो, बिल्कुल दिखवा दूंगा खुलवा के। देख सकते हो प्रदर्शन, देखो ट्रैक्टर का। एक बार खड़े हो जियो, खड़े हो जाओ तुम भी। मात्र 1500 RPM है।